अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आज आपको अल्लाह का एक मौजज़ा दिखाने जा रहा हूँ। मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ जो अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं अल्लाह उनका साथ कैसे देता है। शैतान की तमाम कुव्वतें इस वक्त इसराइल के साथ हैं। तमाम अपने आप को सुपर पावर कहने वाले, इंसानी हकूक़ के अलमबरदार कहलाने वाले और इंसानियत की बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़े बड़े मुल्क इस वक्त इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं। वो नहत्ते मज़लूम फ़लस्तीनी सिर्फ खुदा की मदद के आसरे पर डट गए हैं और अल्लाह उनकी मदद ऐसे फरमाता है कि आज यहूदी को तो ने एक मिसाइल मस्जिद पर फायर किया, और आप देख लें कि जो मिसाइल मस्जिद पर फायर किया गया वो मस्जिद के अंदर आया तो ज़रूर, लेकिन मस्जिद के अंदर आकर फटने की बजाय वो मेरे अल्लाह के हुक्म से मस्जिद में आकर सजदा रेज हो गया। तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक ये मिसाइल मस्जिद में घूमता तो ज़रूर रहा, सजदा रेज तो ज़रूर रहा, लेकिन फट नहीं सका। किसी एक नमाजी को खराश तक नहीं पहुँचाई इस मिसाइल ने। ये है मेरे अल्लाह की ताकत। और दुनिया वालों, ये आपके लिए एक पैगाम है कि आप देख लें अल्लाह किसके साथ है। अल्लाह इसराइल के जालमों के साथ नहीं है, अल्लाह फ़लस्तीन के मज़लूमों के साथ है। ये उसका एक जीता जागता सबूत है। आप अपनी आँखों से देख सकते हैं अल्लाह का ये मौजज़ा, किस तरह ये मिसाइल मस्जिद के अंदर गिरा, मस्जिद की छत को फाड़ा, मस्जिद के सेन के अंदर आया, लेकिन उसके बावजूद ये मिसाइल फट नहीं सका। ये मस्जिद के अंदर सजदा रेज रहा, घूमता रहा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में चंद मज़ीद मालूमात के साथ हाजिर।